सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज चिनू एंड योर मोस्ट वेलकम हमारे आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हमारा क्या होने वाला है कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली नए घर में जा रहे हैं। ये जो पुराना वाला घर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, ये छोड़ के हम लोग आज चले जाएंगे। फाइनली हमारा सामान वामान पैक हो गया। देखो सामान वामान निकाल के कुछ रखा है बाहर और कुछ अंदर भी रखा है, और हमारे दो चाचा लोग सो रहे हैं। देखो ये ए दुनिया ए भाव कैसा गा रहे हो सुखी देखो, एकदम मस्त। रात भर सोए नहीं, अभी आके गाड़े नींद पूरा कर रहे हैं। तो फिलहाल आज हम लोगों का व्लॉग वही होने वाला है। तो हम लोग सामान शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले फ्लैट में, देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें तो दूसरा वाला फ्लैट मिलेगा वो भगवान के भरोसे ही होने वाला है। लोकेशन एक्चुअली थोड़ी अच्छी है, इसकी वजह से उधर ले रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहना, देखते हैं। हम लोग जाते हैं, पहले कैब बुक किया है, कैब आता है फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो गाइस शिफ्टिंग के चक्कर में हम लोग थे, और देखो हम लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नए वाले फ्लैट पे, और हमें रास्ता का पता नहीं है, मतलब रास्ता तो पता है, जगह का नाम नहीं पता है। सुबह सुबह उठा और एकदम सकल के 14 बजे पड़े हैं, और भाई एक रिक्शे में हम लोग 3 जन जा रहे हैं, और ये सॉरी नो बैड वर्ड्स गाइस। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। शिफ्टिंग में बहुत सारा सामान है, तो इन दोनों को देख के चलते हैं। सो गाइस दिस इज सेकंड पार्ट, और हमारा देखो अभी सारा सामान हो गया है शिफ्ट, रूम पूरा खाली हो गया है। तो बेसिकली हम लोग आज पूरा का पूरा रूम खाली करके चले जाएंगे यहाँ से। एंड देखो हमारा कुछ कुछ सामान इधर भी पड़ा है, एक वायर वगैरह सुखा देना, और ये पानी का जार बचा है, तो वो सब लेके आज हम लोग फाइनली यहाँ से चले जाएंगे। आई विल बी समवेयर लाइक मेन टाउन सिटी के अंदर रहूँगा मैं, क्योंकि अभी बहुत बाहर रहता था भाई, दिमाग मेरा ख़राब हो चुका था। तो फिर यहाँ से चलते हैं नए वाले फ्लैट पे, फ्लैट दिखाता हूँ आपको कैसा है, क्या है, कैसा है, मतलब जो हमें अलॉट हुआ है वो फ्लैट में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहना, और अगले आगे देखना और बताना मेरे को कि क्या कमियाँ थी और क्या चीज़ के ऊपर काम करना हमें ज़रूरी बचा है। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने नए घर में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हो पूरा घर ब्लू ब्लू कलर का है, पूरा घर ब्लू कलर का है, मतलब एक ये छोटा सा रूम है एंड यहाँ एक छोटा सा नैरो पैसेज टाइप का है, और इधर एक दूसरा रूम है। सो यू एज यू कैन सी ये हमारा एक दूसरा रूम है, एंड मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा फ्लैट, ये अभी काम हो रहा है इस पर, और ये हमारा टैंक भर चुका है, तो कर देने का बंद। मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाऊँ आपको। तो गाइस बाहर कुछ ऐसा दिखने का है नज़ारा, ये देखो हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। फिलहाल इसको बंद करो क्योंकि यहाँ से धूप आ रही है, मेरे को इसमें पर्दे लगाने हैं। बंद जाओ अजड़ी भाई, ये बंद नहीं हो रहा मेरे से, हो जाएगा मतलब थोड़ा बहुत नया नया पेंट मिल चुका है ना भाई, बंद कहीं नहीं हो रहा भाई कुछ। बढ़ गया हमारा, सब कुछ हो गया। तो ये हमारा छोटा सा किचन है, किचन को अच्छे से साफ करना पड़ेगा भाई, बहुत साफ करना पड़ेगा। ये देखो एक छोटा सा मेन गेट, यहाँ से एंट्री करने के बाद एक रूम यहाँ पे, दो रूम वहाँ पे, वो खिड़की ऐसा, बस इतना ही है। हम लोगों ने सामान वामान अपना लेके आ गया है, सब कुछ इधर ही। तो शिफ्टिंग करते हैं जल्दी से, सब कुछ सेटल करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे आगे। सो गाइस एज यू कैन सी सब सामान हमारा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ भी सेटल नहीं किया है हमने अभी तक, कुछ भी, सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अभी बस सामान ला के रख दिया है, देखो हमारा राइडिंग जैकेट यहाँ रखा है, सामने हेलमेट पड़ा है, एक दूसरा हेलमेट भी है, ये दूसरा हेलमेट इधर कवर्ड के मतलब ये पीछे में ट्राइपॉड फ्राइपॉड के कपड़े सब ऐसे पड़े हुए हैं भाई, क्या होगा मेरा पता नहीं, लग पड़े हैं भाई। देखो धूप में ऊँग ऊँग क्या हो गया मेरे हाथ का। यार ये सब मारो बोले, चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं कॉलेज, मिलते हैं आपसे कॉलेज के गेट के बाहर। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, और बस अपने घर से निकल रहे हैं, मतलब अभी बाइक लेंगे चले जाएंगे, थोड़ा गेट वेट लॉक करो, कुछ खाऊंगा रास्ते में एंड फिर
मैं तो यहाँ से कॉलेज में,